नमस्कार शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं मेजबिन फातिमा आज आपसे क्षेत्रीय कला और शिल्प में और शिक्षा में इनका क्या संबंध है इसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं क्षेत्रीय कला। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्षेत्रीय कला किसे कहते हैं और शिल्प किसे कहते हैं और इन दोनों का शिक्षा में क्या संबंध है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि क्षेत्रीय कला किसे कहते हैं। तो क्षेत्रीय कला समुदाय के कलाकारों का यह काम अनिवार्य काम है जो अपने विशेष संस्कृति के लिए विशिष्ट परंपराओं को जीवित रखते हैं। लोक कलाकार पारंपरिक रूप से स्थानीय समुदाय से कौशल और तकनीक सीखते हैं। इसमें कलाकार अपने स्वयं को स्वयं के सौंदर्य शास्त्र को मानते हैं। वे किसी अनुपात और ताल के सिद्धांतों द्वारा बाधित नहीं होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि क्षेत्रीय कलाकार जो होते हैं तो एक क्षेत्र विशेष के लोग या क्षेत्र विशेष में जब कोई भी कलाकार अपने आप को प्रदर्शित करता है तो उसमें वो जो उसकी संस्कृति होती है जो उसके आसपास लोगों में जो आसपास कार्य हो रहे होते हैं आर्ट के थ्रू या अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जब वो किसी टाइप का कार्य करते हैं तो उसे हम इसके बारे में जानते हैं कि सामुदायिक कार्य कहते हैं। यानी समुदाय के लोग कलाकार पारंपरिक रूप से स्थानीय रूप समुदाय के बारे में और कौशल और तकनीक के साथ जो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय कला कहते हैं। उनका एक अनिवार्य काम होता है कि जो उसे उनकी विशेष संस्कृति है और जो उनकी विशेष परंपरा है उनको ही वो जीवित रखें और जो ये सीखते हैं ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि अपने आप को सीख करके उसके लिए बहुत ही उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक तरीके से देखा जाए तो अपने पौराणिक पूर्वजों से ही वो सीखते हैं और आने वाले लोगों में ही हस्तांतरित कर देते हैं। यानी जो आने वाले लोग उनके जो कल के होने वाले कलाकार होते हैं उनको वो ये चीज़ अपनी जो कौशल और जो तकनीक होती है उनको वो हस्तांतरित करते रहते हैं। जैसे हमने बात करते हैं कि हमें कोई भी अनुपात होता है, जैसे हम फॉर्मल जो हम एजुकेशन लेते हैं उसकी विजुअल आर्ट की हम कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट या विजुअल आर्ट के हम कोई भी जो परफॉर्मल एजुकेशन लेते हैं तो उसमें यह होता है कि उसमें कोई ना कोई सौंदर्य शास्त्र को हमें मानना पड़ता है, उसके मापक दंड होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कलाकार अपने अनुसार ही अपने आप को स्वयं को ही सौंदर्य शास्त्र जो उसके अनुसार सही है उसके अनुपात को ही वो मानते हैं। वो किसी भी अनुपात और ताल के सिद्धांतों द्वारा वो किसी भी सिद्धांत द्वारा बाधित नहीं होते हैं। वो बस इससे बाधित होते हैं कि उनको अपने एक आसपास के जो मोटिव्स हैं उनको प्रदर्शित करना होता है। जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश हम देखा हुआ है, मध्य प्रदेश की ये गोंड कला है। इसमें क्या होता है कि इसमें गोंड कला में वहाँ की जो जनता है यानी कि जो जनजाति होती है तो इस विशेष लोग इससे क्या होते हैं कि अपने विचारों को और जो उनके आसपास जो रीति रिवाज है जो उनके संस्कृति धरोहर है उन सारी चीज़ों को अपने सिंबल्स को अपनी कला के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या है कि वो ब्रश के माध्यम से या जो भी उनका ब्रश है तो ब्रश के माध्यम से बिंदुओं के द्वारा अपने आप को इस कला में प्रदर्शित करते हैं। तो ये वहाँ की क्षेत्रीय कला है, इसे हम फोक कला भी यानी वहाँ की हम फोक आर्ट भी कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही एक इसमें कन्फ्यूज़ हमें नहीं होना है। हमें क्षेत्रीय कला और फोक आर्ट में ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों लगभग सेम होते हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि शिल्प किसे कहते हैं। तो यानी क्राफ्ट वर्ड जैसे हम सुनते हैं या शिल्प किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जब कला को ये माना जाता था हमारी जो संस्कृति है उसके अनुसार जो बहुत ही अच्छे ढंग से यानी कला को शिल्प के रूप में ही जाना जाता है। यानी भरत मुनित के अनुसार वो जो वर्ड पहले यूज़ होते थे कला के वो शिल्प के नाम से ही जाना जाता था। तो शिल्प अभी हम किसे कहते हैं, शिल्प हाथों द्वारा किसी वस्तु को कौशलता के साथ बनाना ही शिल्प कहलाता है। यानी बहुत ही कौशल तरीके से जो आप कोई भी किसी भी हुनर में आप बहुत ज़्यादा पारंगत होते हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, शिल्प कहते हैं। जैसे यह मुख्य रूप से उपयोगितावादी होते हैं यानी इसका कोई ना कोई उपयोग होता है और सजावटी माध्यम होता है जिसमें कपड़ा कागज़ मिट्टी लकड़ी फाइबर और धातु का अत्यधिक उपयोग शामिल होता है। जैसे इसका मुख्य जो कोई ना कोई बनाने का उसका कारण होगा यानी चाहे वो सजावट के पर्पज़ से बनाया गया होगा या जिस भी पर्पज़ से या वेस्ट मटेरियल को दोबारा से यूटिलाइज़ करने के लिए बनाया गया होगा तो उसका कोई ना कोई या हमें जीवन यापन करने के पर्पज़ से बनाया गया तो कोई ना कोई इसका मूल उद्देश्य होता है इसको बनाने के लिए और ये उपयोगी किसी न किसी रूप में ये उपयोगी होते हैं। तो इनका प्रयोग अधिक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम कपड़ा कागज़ मिट्टी लकड़ी फाइबर इत्यादि जितनी भी धातु का हम इन सारी चीज़ों के थ्रू कोई भी हम सजावटी सामान
प्रदर्शित करें, यानी कोई भी कार्य हम करेंगे किसी भी माध्यम का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, यानी हमें बहुत ज़्यादा सौंदर्यात्मक ढंग से उसको प्रदर्शित करना पड़ेगा। और हमें उसको कार्य को कंप्लीट करने के लिए उसमें कौशल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि शिल्प के कितने प्रकार होते हैं। तो शिल्प जो है अमूमन कितने, जैसे पेपर शिल्प, तो पेपर शिल्प भी हम कई तरीके से देख सकते हैं। पेपर शिल्प जो होता है उसमें हम फिर ये देखते हैं कि ओरिगामी कलर होता है, यानी पेपर के द्वारा जब हम कोई भी कार्य को प्रदर्शित करते हैं, कोई भी कलाकृति का निर्माण करते हैं, तो उसमें क्या है, ओरिगामी पेपर यानी पेपर फोल्डिंग के द्वारा कोई कार्यकृति को कंप्लीट करना और कागज़ कटिंग करना। जैसे हम दीपावली के टाइम पे क्या करते हैं कि अपने दीवारों को, अपने घरों को सजाने के पर्पज़ से पेपर को कटिंग करके कुछ आकृतियां तैयार करते हैं, जैसे लैंप तैयार करना या डेकोरेशन के लिए लड़ियां तैयार करना, ये सारी चीज़ें, या फ्लावर की लड़ियां बनाना। तो ये डेकोरेशन के पर्पज़ से जो हम कटिंग के द्वारा तैयार करते हैं वो पेपर शिल्प कहलाते हैं, यानी कागज़ काट करके आपने बनाया है, और ओरिगामी यानी पेपर को मोड़ करके, जैसे हम क्लासरूम में अपने आप को बहुत सारी चीज़ों को इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे कि पेपर कटिंग के द्वारा इसमें एक फ्लावर, एक लड़ी बनाई गई है, तो इसमें अपने पेपर को पहले मोड़ दिया और मोड़ करके उसकी कटिंग की गई, तो एक लड़ी बन गई। इसका हम उपयोग उसके डेकोरेशन में करते हैं, तो उसको काट, जो इसके कटिंग करना है उसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा हमें बारीकी यानी पारंगत होना चाहिए, कहीं से हमें उसको एक बारी अगर हमने सीजर या जो हमारी कैंची है उसको हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो वो ख़राब हो जाएगी हमारी लड़ी, वो ख़राब हो सकती है। और इसके अलावा ये पेपर कटिंग का एग्जांपल है, और जो दूसरा एग्जांपल है ये दूसरा हम देख सकते हैं उदाहरण। इस उदाहरण में हम ये देख सकते हैं कि पेपर फोल्डिंग के द्वारा हमने एक मछली बनाई है। तो इसमें क्या है कि आपके पास इसका उपयोग हम अपनी कला शिक्षा में भी कर सकते हैं, और अपनी हम शिक्षा में यानी हम विभिन्न जो हम उद्देश्य है हमारा कि पेपर फोल्डिंग के द्वारा हम बच्चों से किस तरह की एक्टिविटीज़ भी हम करवा सकते हैं। तो ये पेपर फोल्डिंग, पेपर के जो क्राफ्ट है वो दो तरह के होते हैं, पहला हमारा हो गया पेपर कटिंग और ये पेपर फोल्डिंग। तो उनसे पेपर को फोल्ड करके, इसमें कटिंग की ज़रूरत नहीं है, हम प्राथमिक स्तर पर इसका उपयोग हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि पेपर फोल्ड करके हमने कोई स्टार बनाया, या हमने फिश बना ली, या हमने कोई भी मछली बनाई, या हमने फ्लावर फूल बना लिया। तो इन सारी चीज़ों को जो हम क्या है कि बच्चों को हम यूज़ बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करा सकते हैं, और इस तरह की गतिविधियां अपने बच्चों से भी हम करवा सकते हैं। तो ये शिल्प के प्रकार हैं। उसके बाद जैसे हम इस वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने एक नॉर्मल क्या है, एक ऑब्जेक्ट, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट लिया, कोई एनिमल फॉर्म ले सकते हैं, कोई भी जानवर ले लिया, या कोई एक आपने कीड़ा मकोड़ा, जो भी चीज़ें जो बच्चों को आकर्षित करें। अब उसके लिए क्या कि हमने पेपर को फोल्ड करके अब उसके उसका फेस बनवा दिया, तो उससे क्या उनको मन लगेगा और वो एक नई चीज़ सीखने के लिए अग्रसर होंगे। दूसरा हम देखते हैं कि मिट्टी के पात्र और कांच के शिल्प। तो मिट्टी के बर्तन जैसे हम आसपास देखते हैं, या जैसे कुम्हार मिट्टी बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, या कांच के बने बर्तन होते हैं, मोज़ेक यानी छोटी छोटी वस्तुओं को, जब जैसे मोज़ेक उसे कहते हैं कि दो कई सारी वस्तुओं को जब इस चौकोर या कई डिफरेंट शेप में लेकर के और उसको एक आकृति तैयार करना, जैसे छोटे छोटे आप देखते हैं टाइल्स होती हैं, टाइल्स को आपने बना करके एक डेकोरेटिव मटेरियल तैयार करते हो तो उसे भी हम मोज़ेक कहते हैं, तो वो कांच के भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कांच के जो शिल्प या मिट्टी के पात्र होते हैं ये भी एक शिल्प के प्रकार होते हैं। जैसे इस आकृति में आप देख सकते हैं ये एक मोज़ेक का एग्जांपल है। इसमें क्या है कि छोटे छोटे टाइल्स लेकर के उसकी कटिंग, उसके थ्रू एक आकृति का निर्माण किया गया है। तो इसमें आप कोई भी आकृति ले सकते हैं जो भी आपको आकर्षित करती हो, अपने डेकोरेशन के पर्पज़ से, अपने अपने साइज़ के अनुसार आप कोई भी आकृति लेकर के अपने आपको कलर तालमेल अपने अनुसार लेकर के उसको आप तैयार कर सकते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी हम बच्चों से करवा सकते हैं। सपोज़ जैसे हम मिट्टी के बर्तन भी सामुदायिक रूप से लोगों को बुला करके, यानी एक जो कुम्हार आसपास रह रहा है उसको हम बुला करके उस तरह की एक्टिविटीज़ भी हम बच्चों से करवा सकते हैं कि किस तरीके से बर्तन बनाए जाते हैं। बट लेकिन ये हम बस प्रकार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने प्रकार के क्राफ्ट होते हैं यानी शिल्प होते हैं, और उनका हमें, इनमें हमें जो हमें लगता है कि सुटेबल है, हमें अपने क्लासरूम में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कक्षा में हम किस तरह से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कि चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, बोन चाइना, पत्थर के पात्र,
कांच की नक्काशी, यानी जो हम आसपास ये सारी चीज़ें क्राफ्ट का ही तरीका है, यानी चीनी मिट्टी के, जैसे आप देखते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चीनी मिट्टी का डिनर सेट बन गया, या आपने ये तो एक उच्च व्यावसायिक स्तर पर, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या है, क्राफ्ट के अंदर ही आती हैं। बोन चाइना से कोई भी चीज़ें खराब है, यानी उसको आप बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के तरीके से आपने उसको स्किल्ड है वो चीज़ें जो है क्या है, बहुत ज़्यादा कौशल उसमें ज़रूरत होती है, तो कौशल के द्वारा हमने जब इन सारी चीज़ों को प्रदर्शित किया तो वो शिल्प कहलाती है। तो ये दूसरा जो प्रकार है वो ये है। तीसरा इसके एग्जाम्पल ये है, जैसे आप आगरा में अगर कभी कई लोग गए हों, या किसी पहाड़ी एरिया में आप गए हों, या आप राजस्थान की तरफ गए हों, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों के पे नक्काशी की जाती है, यानी दूसरे पत्थर कटिंग करके उसमें पेस्ट किए जाते हैं। तो ये भी एक क्राफ्ट का तरीका है। और इसके दूसरे जो पहला इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि हम इस तरह की भी कलाकृति, जैसे हमें आसपास छोटे छोटे पत्थर पड़े रहते हैं, तो हम उसे लेकर के हम इस तरह की कलाकृतियों का भी निर्माण अपने स्टूडेंट से करवा सकते हैं, अपने छात्रों से करवा सकते हैं। थर्ड जो टाइप है उसका, वो ये है कि कपड़ा या टेक्सटाइल का शिल्प। तो रजाई कला, यानी आप आसपास अपने घरों में या अमूमन देखते ही रहते होंगे, या लेस बनाना। रजाई कला मीन्स ये हो गया कि जैसे धुलाई हो गई, रजाई हो गई, तो आसपास आप देखते होंगे कि मोस्टली हमारे गांव में या ऐसी जगहों पे, जैसे राजस्थान में भी इस तरह की चीज़ें प्रदर्शित हैं कि आपने विभिन्न कपड़े के द्वारा उस पर आकर्षित डिज़ाइंस तैयार करते हो, उसको रजाई का फॉर्म, यानी उसको ओढ़ने के पर्पज़ से या बिछाने के पर्पज़ से, यानी कोई ना कोई हमारा हमारे उसमें मूल रूप होता है कि हम उसमें किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। लेस बनाना, लेस बनाना मीन्स ये हो गया कि जैसे हमने कोई भी कपड़े है उसको डेकोरेशन के पर्पज़ में जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो हम लेस बनाने की भी इसी विधि में आती है कि बुनाई के द्वारा या कपड़े के द्वारा हम किस तरह से लेस बनाते हैं। कढ़ाई, यानी बच्चों से हम धागे और सुई के थ्रू हम किस तरह से कढ़ाई करवा सकते हैं, गलीचा बनाना, ये सारे भी ये सारी चीज़ें कपड़ा या टेक्सटाइल शिल्प के अंतर्गत आती हैं। जैसे इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि पेपर कपड़े के द्वारा डिज़ाइंस हम किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, या जैसे हम आसपास अपने क्या होता है, टाट होती है या बोरी होती है तो वेस्ट होती है, उसका हम बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेशन के, यानी कढ़ाई अगर आपको आती है तो उसका आप सुई और धागे की मदद से उसे बहुत अच्छे तरीके आकर्षित ढंग से, या बैग भी बना सकते हैं, जूट बैग जिसे हम कहते हैं, या हम पावदान की तरह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैग या थैला, जैसे हम मार्केट डेली हम सब्जी लाने के पर्पज़ से, इन सारी चीज़ों में तो व्यवसाय एक रूप भी आप उसे आप दे सकते हो। तो मीन्स ये हुआ कि आस पास ये हम जो बात कर रहे हैं ये कपड़ा कपड़े के बारे में, कि कपड़ा शिल्प जो होता है तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो तीसरा मैंने आपको इसी में दिखाया था इमेज, उसमें मैंने देखा कि छोटे छोटे वो चिड़िया जैसे, यानी चिड़िया के आकृति बनाया, तो वो भी एक कपड़ों के द्वारा ही तैयार की गई थी। तो इसमें ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और बच्चों से भी करवा सकते हैं, ये सब कपड़े शिल्प के अंतर्गत आती हैं। मिश्रित मीडिया, यानी कई सारी चीज़ों को मिला करके एक क्राफ्ट जो तैयार करते हैं, जैसे मनका का काम, जैसे माला बनाना, ब्रेसलेट बनाना इत्यादि मोतियों का काम होता है, या टोकरी की बुनाई करना, आसपास आपने बहुत बार देखा होगा कि टोकरी से बुनाई की जाती है, या बाटिक, बाटिक में से होता है कि कलर को किस तरह से उसको कलर कपड़ों की रंगाई जो की जाती है, तो कपड़ों की रंगाई जो होती है, ये सारी चीज़ें मिश्रित मीडिया के अंतर्गत आती हैं। और हम इनका प्रयोग भी ये जो क्राफ्ट के अंतर्गत हैं, तो इनका प्रयोग हम सामूहिक रूप से या बच्चों के बच्चों से हम एक इस तरीके से अपने क्लासरूम में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को या करवा सकते हैं। जैसे इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं, पहला जो है वो लेस बनाने का तरीका है कि किस तरीके से लेस हम बना सकते हैं, दूसरा मैंने कि मोतियों की माला किस तरह से बना सकते हैं, मोतियों के थ्रू हम बैग किस तरह बना सकते हैं, तो आसपास हम डेकोरेटिव, या ये है एक एग्जांपल कि कम्युनिटी में हम आसपास के हमारे जो समाज में लोग पेपर का ये कपड़ा जो कलर करते हैं, यानी बाटिक वर्क जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो इस तरीके के लोगों को हम अपने क्लासरूम में बुला करके उनका प्रत्यक्ष रूप से बच्चों से एक वर्कशॉप भी करवा सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा में क्षेत्रीय और शिल्प का संबंध, अभी तक जो हमने बात की उसमें यह किया कि प्राथमिक शिक्षा पे शिल्प के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, अब हम जो बात करेंगे कि इन शिल्प का
और क्षेत्रीय कला का, कि हमारे कला शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में क्या महत्व, हमें क्यों बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इन इनकी हमें जानकारी बच्चों को क्यों देनी चाहिए। तो आज हम ये समझते हैं कि क्षेत्रीय कला और शिल्प को बच्चों में क्या है, कि अगर हम बच्चों को क्षेत्रीय कला के बारे में, जैसे अगर हमने उनको नहीं बताया कि बिहार मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, या गोंड आर्ट कहाँ की है, या हमने वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, ये सारी चीज़ों की हमने बच्चों को जानकारी दी, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को एक जागरूकता पैदा हो जाती है कि क्षेत्रीय कला किसे कहते हैं और शिल्प किसे कहते हैं। तो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ही हम ये जागरूकता पैदा करा सकते हैं। और उसके बाद स्थानीय शिल्प के प्रति हमारी और हमारे सांस्कृतिक विरासत के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाना। तो हमारा जो मेन मकसद होता है वो ये कि जो हमारी अपनी अपनी कलाकृतियां हैं, जो हमारे अपने शिल्प हैं और जो हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत है, उसके बारे में बच्चे हमारे संवेदनशील रहें। ऐसा ना हो कि वो उनको बहुत ज़्यादा ये समझने लगे कि ये उनकी इम्पॉर्टेंस उनको समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद जो हम पारंपरिक और समकालीन कला और कला के प्रकारों को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए, जैसे अभी आजकल का जो दौर है, इस दौर में हमने ये देखते हैं कि जैसे वेस्टर्न कल्चर का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, हमारे यहाँ लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन सही मायने में देखा जाए हमारे यहाँ बहुत ही पारंपरिक ढंग से और बहुत ही हम सदियों से ये काम करते हुए आ रहे हैं। तो हमारे अपने जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, बच्चों को हमारे अपने धरोहर के बारे में जानकारी हो कि वो किस तरीके से जो हमारे शिल्प है, जो हमारे पारंपरिक और समकालीन कला है, उसके बारे में वो उनको पहचान रहे और उसको वो बढ़ावा देने के लिए अग्रसर रहे। और हस्तशिल्प है, कुटीर उद्योग और स्वयं रोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिल्पकारियों के कौशल की सराहना करते हुए समाज में उनके योगदान और सम्मान की भावना जागृत होगी। यह कला और सामान्य विरासत को संरक्षित करने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी की एक भावना का विकास करेगा। जब बच्चों के अंदर ये समझ में आ जाएगा कि हस्तशिल्प जो होती है वो क्या होती है और उनको हमें किस तरीके से आने वाले टाइम में, जैसे हमने एक प्रारंभिक स्तर पर जब हमने बच्चों को बता दिया कि शिल्प किसे कहते हैं और हमारे जो अपने सांस्कृतिक जो हमारे धरोहर हैं, जो हमारा कुटीर उद्योग है और जो हमारा स्वयं रोजगार, जो हम आने वाले टाइम के लिए अपने आप को रोजगार में बढ़ावा देने के लिए इन शिल्पकारों की कौशल की खुद की हम सराहना करते हैं, और अगर हम आने वाले टाइम में अपने आप को उस गतिविधियों में रोजगार तलाश करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कौशल है तो हम उन सारी चीज़ों को, एक बैग बनाना, किस तरह से हम बैग बना सकते हैं, या आने वाले टाइम में हम बच्चों को उनके महत्व की जानकारी, इन सारी चीज़ों को हम बच्चों से ये बताना कि किस तरीके से आप कलाकृतियों का आने वाले टाइम में एक उद्योग के रूप में भी बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और समाज में एक योगदान के उनके अंदर ये भावना प्रदर्शित करना कि जो हमारी सामान्य विरासत है वो हमें, हमारी जो धरोहर है, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी होती है, और उनको संरक्षित करना, उनके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना को प्रदर्शित पैदा करना, ये उनके अंदर इस हमारा जो मेन मकसद होता है। और लोक कलाओं और पारंपरिक कला के बारे में छात्रों को पढ़ाना, यानी हम ये इस वजह से हमारे इसका क्या है कि जब भारत कला और शिल्प कला के परंपराओं से संपन्न देश है, जहाँ शिल्प कौशल की तकनीकें एक से बाद एक पीढ़ी को सौंपी जाती है, भारत के हर कोने में अद्भुत शिल्प कला स्थानीय कारीगरों की विशेषता को दर्शाते हैं। यह लोक समूह के रीति रिवाजों, दृष्टिकोण, सौंदर्य शास्त्र को भी दर्शाता है। तो मीन्स हम जब अपने हमारा जो देश है वो एक अद्भुत परंपराओं से संपन्न देश है, यहाँ पे शिल्प की बहुत ही ज़्यादा हमने बात करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा शिल्प के, आप कहीं किसी भी कोने में चले जाएंगे तो आप वहाँ पे शिल्प के और हमारी जो अद्भुत लोक परंपराएं हैं, लोक वस्तुएं हैं, वो आपको हर कोने में मिलेगी। और उसकी जो स्थानीय कारीगरी है, जो हमें ये समझ में आना कि किस जगह की कौन सी कारीगरी फेमस है और किस जगह में कौन सी लोक वस्तुएं ज़्यादा महत्व रखती हैं, उसके बारे में हम अपने बच्चों को जानकारी देना, और उसके बारे में हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और हम पढ़ाते हैं, इसी वजह से हमने पढ़ाया, इसका इसी यही महत्व होता है। उनके बच्चों को जब समाज में जो उनका रीति रिवाज है, उनके क्या दृष्टिकोण है और उस सौंदर्य में भी इनका क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों को उनके अंदर एक भावना जागृत करना,
तो इससे रिलेटेड हम ये गतिविधि करा सकते हैं कि छात्रों को घर से कई, जैसे जाहिर है कि बच्चों को हम अवेयरनेस कैसे आएगा उनके अंदर, तो कोई ना कोई गतिविधि हमें करानी होगी। तो इस गतिविधि के लिए आप ये कर सकते हैं कि छात्रों को घर से कई लोक वस्तुओं को लाने के लिए भी कह सकते हैं, जैसे जो परंपरागत कला वस्तुएं जैसे कि पावदान या हाथ से कढ़ाई की कोई वस्तु लाना, समाज में कार्य कर रहे कलाकार से उनके एक वर्कशॉप करवाना, बच्चों से बोले आसपास की प्रचलित रीति रिवाजों या धारणाओं सांस्कृतिक और समाज के विषयों को लेकर एक कहानी बनाएं, इस तरह की हम एक्टिविटीज़ बच्चों से हम करवा सकते हैं। जैसे कोई कुम्हार है तो कुम्हार को हम अपने क्लास में अपने स्कूल में आमंत्रित कर सकते हैं और उनसे एक वर्कशॉप करवा सकते हैं, जिससे बच्चों के अंदर क्या है वो जो हमारे आसपास की संस्कृति है, जो हमारे आसपास की धारणा या लोक कलाकार कोई भी हैं, जैसे कि अगर कोई मधुबनी का कोई कलाकार है तो हम उसे अपने आमंत्रित करके उनके कलाकारों के बारे में उनकी कलाकृतियों के सीख सकते हैं और किस तरह की वो तकनीक इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम उन आकृतियों को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हम अपनी संस्कृति को कैसे हम सहेज सकते हैं उसके बारे में हम वो एक बच्चों से हम ये भी कह सकते हैं कि आसपास की संस्कृति को लेकर के हमारे जो धारणाएं हैं उसको लेकर के एक कहानी बनाएं। तो ये इस तरीके की गतिविधियां भी हम बच्चों से करवा सकते हैं। जैसे ये कुछ मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ जो कि हम आसपास अपने गांव में अपने किसी स्थानीय क्षेत्र में भी देख करके हम पता लगा सकते हैं। जैसे ये है सिंपल एक कढ़ाई के द्वारा फैन बनाना, पंखे हाथ के बनाना या बैग बनाना, बैग बना सकते हैं हम इसका, तो उसका इस्तेमाल आप आने वाले टाइम में क्या है हम उसका उद्योग में भी कर सकते हैं, अपने जो हमारा बेरोजगारी है उसके आगे उससे भी हम निवारण कर सकते हैं। तो एक बच्चा उन सारी चीज़ों से अवेयर हो जाता है जो उसके समाज में आसपास में चल रहा होता है। जैसे इसमें हम ये देख सकते हैं कि सामूहिक चित्र का एक शिल्प, अगर एक दुर्गा पूजा होती है या कोई भी, तो उसमें हम किस तरीके से एक कलाकार का जो स्थानीय कलाकार है वो किस तरह से अपने कार्यों को प्रतिपादित करते हैं और उसको हम उनसे बच्चों अपने क्या सिखा सकते हैं, जब इनकी जानकारी हमारे बच्चों को हो जाती है प्राथमिक स्तर पर ही जब हो जाती है तो उन सारी चीज़ों को वो आने वाले टाइम में भी इस्तेमाल एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्षेत्रीय कला और शिल्प किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका उपयोग हम अपनी कक्षा में कैसे कर सकते हैं इसका आपको अच्छे से मालूमात हो गई कि इसके आप आने वाले कक्षा में आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।